अच्छा, जैसे आप अभिषेक को इतने सालों से जानती हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स को भी जानती होंगी, तो मतलब वो ये सब घर के अंदर देखकर क्या हर्ट हो रहे हैं, लाइक उनका क्या रिएक्शन है ये देखकर? मुझे जहाँ तक पता था कि जब अभिषेक के पेरेंट्स को पता चला कि ईशा भी जा रही है, तो उन्होंने क्लियरली बोला था अभिषेक को कि नहीं 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 तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, बिकॉज वो बहुत, क्योंकि उन्होंने देखा है अभिषेक को उस जोन में कि वो कितना टूटा हुआ था। मतलब लिटरली वो एक ही जगह पे वो दिन भर सो रहा है, वो महीनों महीनों बस एक ही, मतलब सो ही रहा है बस, खाने का भी उसका कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो सोच रहा था मैं कहाँ अपना माइंड डाइवर्ट, लिटरली उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते थे जिस तरीके से उसने बताया, बट वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी फैमिली ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उसके पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता ये देख के अच्छा लग रहा होगा कि कैसे दो लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं अभिषेक को। मतलब ईशा को एटलीस्ट ये चीज़ सोचना चाहिए कि ओके वी हैड अ पास, तो चलो मैं एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ना करूँ। बट लड़ाई में दोनों फिर अगली हो जाते हैं, अभिषेक भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, ईशा भी बहुत सारी चीज़ें गुस्से में बोल देते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बाद में क्या पड़ेगा वो लोग दोनों में से कोई भी नहीं सोच रहा है ये चीज़। बट अभिषेक के पेरेंट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे अभिषेक को देख के। अच्छा, ईशा और समर्थ की बॉन्डिंग देख कर क्या बोलते हैं उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? वो लाइक वो सोच रहे होंगे अभिषेक को क्लोजर मिला या तो। अच्छा, वो आपने एक क्वेश्चन पूछा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईशा बार बार अभिषेक को बोलती है कि तू तेरे से ज़्यादा तो मेरी ये कदर करता है, तेरे से ज़्यादा तो ये, बट मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा अभिषेक का तो लोगों ने सिर्फ सुना है कि अभिषेक ने चलो एक मिसबिहेवियर किया था ईशा के साथ, बट समर्थ का अगर आप भी देख रहे हो, आप भी इस बात से अग्री करोगे, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि वो इतना डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ईशा को, उसको पुश करता है, और कल के एपिसोड में भी अगर आपने देखा ऐसे झटका देता है वो उसको, ईशा को वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, बट वो फिर भी अभिषेक के सामने ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो ईशा फिर भी बाहर जाके अभिषेक को बोलती है तूने मेरी कदर नहीं करी, इसने मेरी कदर करी। मैं ये जानना चाहती हूँ ईशा खुद से झूठ बोल रही है कि किससे झूठ बोल रही है, बिकॉज उसको खुद को दिख रहा है कि समर्थ उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आई डोंट नो क्यों वो इतना बर्दाश्त करी, आई डोंट नो समर्थ का, आई डोंट थिंक अभिषेक ने ऐसे तो किया होगा उसके साथ पब्लिकली, मतलब इतने कैमराज है, थोड़ा एक बार हो जाता है चलो ठीक है गुस्से में हो गया, बट रिपीटेडली ये चीज़ हो रहा है कि समर्थ उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, और मुंह से डिसरिस्पेक्ट करना तो चलो ठीक है सेकेंडरी है, तुम उसको धक्का दे रहे हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो।